स्ट्रक्चर में सबसे पहला है फोल्डर नोड मॉड्यूल, जिसमें कि सारे पैकेजेस और डिपेंडेंसी स्टोर रहती है और सर्वर वगैरह सभी यहीं से चलते हैं। उसके बाद में आता है पब्लिक फोल्डर। मेन फिस्ट फाइल वेब एप्लीकेशन की जानकारी देती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन को नए स्तर पर लाती है। PWA मेन फिस्ट में नेम, आइकन, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, रिसोर्स शामिल है। इसका मेन उद्देश्य यूजर को जल्दी जल्दी वेब एप्लीकेशन लोड करना होता है। उसके बाद आता है रोबोट टेक्स फाइल, गूगल से सर्च करवाती है कि किसे सर्च करना है और किसे नहीं करना है, ताकि वेब पेज लोड होने में कोई दिक्कत ना हो और यूजर को सही जानकारी मिल सके। पब्लिक फोल्डर में इंडेक्स फाइल मेन है, जिसमें कि जो ये ID रूट ये मेन है, और इसको यहाँ पर इंडेक्स .js से यहाँ पर फोल्डर की हुई है। उसके बाद फिर आता है सोर्स फोल्डर SRC फाइल है, एप CSS, तो CSS ही समझ में आता है कि स्टाइल है, इसमें सारी स्टाइल की गई, जिसमें ऐप है और मीडिया क्वेरी है और ऐप हेडर है, इसमें स्टाइल की गई। उसके बाद आता है App.js, तो App.js में इंपोर्ट की गई फाइल, यहाँ पर App.css को, और एक लोगो की फाइल को इंपोर्ट की गई है और यहाँ फंक्शन बना दिया है और इसको एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट कर दिया ऐप नाम से यहाँ पर ये। उसके बाद फिर आता है ऐप टेस्ट, तो यहाँ पर टेस्टिंग लाइब्रेरी जो नोड मॉड्यूल के अंदर है यहाँ इंपोर्ट की गई है, और यहाँ पर यह ऐप जो बनाया है यहाँ पर ये फोल्डर CSS का यहाँ इंपोर्ट किया गया है और यहाँ टेस्टिंग की गई है। ये सारी टेस्टिंग लाइब्रेरी से जो रेक्ट है इसके द्वारा टेस्टिंग हो जाती है इसके अंदर। उसके बाद आता है इंडेक्स CSS, ये भी स्टाइल है जो बॉडी के अंदर, जो भी हमें इंडेक्स के अंदर जो बॉडी है उसके अंदर जो भी हमें यहाँ लिखना है CSS करना है यहाँ पर किया गया है। उसके बाद इंडेक्स जैसे ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ सब इंपोर्ट की गई है, इंपोर्ट फाइल रेक्ट, उसके बाद इंपोर्ट रेक्ट डोम, इंपोर्ट इंडेक्स CSS, यहाँ भी इसको भी इंपोर्ट की गई है, यहाँ ऐप को भी इंपोर्ट की गई है, और यहाँ ये इंपोर्ट ये वाली फाइल भी इंपोर्ट की गई है, और यहाँ पर इसको रेक्ट स्ट्रिंग मोड के अंदर ऐप फोल्डर यहाँ भी ये लिया गया है। उसके बाद आता है लोगो SVG, इसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, लोगो है यहाँ पर। ये फाइल है हमारी रिपोर्ट वेब विटल्स .js, उपयोगी मेट्रिक्स का एक सेट है जिसका उद्देश्य वेब पेज के उपयोगकर्ता के अनुभव को कैप्चर करता है। उसके बाद अगली फाइल हमारी सेटअप टेस्ट .js, यहाँ पर हमने इंपोर्ट की है टेस्टिंग लाइब्रेरी जेस्ट डोम लाइब्रेरी को, जो कि रेक्ट का पूरा टेस्टिंग का काम करती है। गीट इग्नोर फाइल खास फाइलों को सुनिश्चित करने से गीट द्वारा ट्रैक नहीं की जाती, यह बिना काम की फाइल को अनदेखा करके कोड को साफ रखने में मदद करता है जब हम कोई बड़ी योजना पर काम करते हैं। पैकेज लॉक JSON अपने आप ऑपरेशन करता है जब नोड मॉड्यूल NPM और वर्जन की जानकारी को संग्रहित करता है। पैकेज JSON फाइल प्रोजेक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखता है, जैसे मेटा डाटा, डिपेंडेंसी और आवश्यक सूची भी है जिसमें। रीडमी फाइल को गाइडलाइन कह सकते हैं, उपयोगकर्ता को प्रोजेक्ट का विस्तृत विवरण देता है और आपने क्या काम किया यह बताता है।